आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। आज पूरी दुनिया भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा कर रही है। जिस स्पाइस रूट को अतीत में हमने खो दिया था, वो अब फिर से भारत की समृद्धि का सशक्त आधार बनने जा रहा है। आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, यूपीआई सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। INS विक्रांत मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। आज भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पहले की सरकारों की एक और पुरानी सोच को बदला है। पहले की सरकारें हमारे सीमावर्ती और समुद्र किनारे बसे गांवों को, इलाकों को अंतिम गांव मानती थी। हमारे रक्षा मंत्री जी ने अभी उसका उल्लेख भी किया। इस सोच के कारण हमारे तटीय क्षेत्र भी विकास से वंचित रहे। यहां मूल सुविधाओं का अभाव रहा। आज समंदर किनारे बसे हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। यह हमारी सरकार है जिसने 2019 में पहली बार फिशरीज सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया। हमने फिशरीज सेक्टर में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश किया है। इस वजह से 2014 के बाद से भारत में मछली उत्पादन 80% से ज्यादा बढ़ा है। भारत से मछली का एक्सपोर्ट भी 110% से ज्यादा बढ़ा है। अपने मछुआरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए बीमा कवर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिला है। सरकार फिशरीज सेक्टर में वैल्यू चेन डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दे रही है। आज सागरमाला योजना से पूरे समुद्र किनारे में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि समुद्री किनारों में नए उद्योग लगे, नए बिजनेस आए। मछली हो, दूसरा सी फूड हो, इसकी पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड है। इसलिए हम सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री पर बल दे रहे हैं ताकि मछुआरों की आय बढ़ाई जाए। मछुआरे गहरे समंदर में मछली पकड़ सके, इसके लिए वो नावों के आधुनिकीकरण के लिए भी उनको मदद दी जा रही है। साथियों, कोंकण का ये क्षेत्र तो अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, परभणी और धाराशिव में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। चीपी हवाई अड्डा शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मालगांव तक जुड़ने वाला है।